अब भारत में भी जीका वायरस का खतरा बढ़ते जा रहा है। भारत के केरल में जीका वायरस के 14 मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार अलर्ट पर है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसकी पुष्टि की है। तिरुवनंतपुरम जिले में जीका वायरस के मामले मिले हैं। भारत में पहली बार जीका वायरस का मामला 2016-17 में आया था। अब गुजरात में इसके मामले मिले हैं। एडीएस मच्छरों से फैलता है, ये वही मच्छर है जो डेंगू और चिकुनगुनिया फैलाते हैं। मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से अलग ये दिन में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, इसलिए रात को मच्छरदानी लगाने से कम ही फायदा होता है। अगर ये मच्छर संक्रमित व्यक्ति का खून चूसते हैं तो वे कई अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। वर्ष 1947 में युगांडा के जिंका जंगल में रहने वाले बंदरों में सबसे पहले ये वायरस पाया गया था। साल 1952 में इसे औपचारिक रूप से खास वायरस माना गया। लोगों में इस वायरस के संक्रमण का पहला मामला साल 1954 में नाइजीरिया में मिला। इसके बाद अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशांत द्वीप के क्षेत्रों में इसका संक्रमण देखने को मिला। हालांकि शोधकर्ताओं ने पाया है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग इस वायरस के संपर्क में आए थे, क्योंकि जब इस नई बीमारी के लिए टेस्ट हुए जो कुल 196 में 33 लोगों में इसको लेकर इम्यूनिटी पाई गई। इन शोधकर्ताओं ने वर्ष 1953 में अपने दस्तावेज में निष्कर्ष निकाला गया कि जीका वायरस भारत में लोगों को संक्रमित तो करता है, हालांकि वायरस ज्यादातर मच्छरों से फैलता है लेकिन यौन संबंधों से भी फैलता है। इस वायरस के संक्रमण कारण बच्चों में मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता। कई मामलों में कम विकसित मस्तिष्क वाले बच्चे पैदा होते हैं। अभी तक इस वायरस के लिए ना कोई वैक्सीन आई है ना दवा उपलब्ध है, इसलिए मरीजों को आराम करने और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है। पहले जीका के संक्रमण का स्तर काफ़ी कम था, इसे जीवन के लिए खतरा नहीं माना जाता था, लेकिन 2015 में ब्राज़ील में जीका वायरस के मामले सामने आए। इसके बाद ये तेज़ी से फैला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने साल 2016 में जीका वायरस के संक्रमण को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कहा था। इस वायरस के संक्रमण से कम संख्या में ही मौतें होती हैं। 5 संक्रमित लोगों में से एक में इसके लक्षण दिखते हैं। इस संक्रमण के कारण एक खास तरह का तंत्रिका तंत्र से संबंधित परेशानी हो सकती है, जिसे गिलेन बेरे सिंड्रोम भी कहते हैं। यह स्थायी पक्षाघात का कारण बन सकता है। तो अब जीका वायरस का भी खतरा बढ़ते जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। खबर भी, सरोकार भी, हर कदम, हर डगर, हर मोर्चे पर तैयार भी, पक्ष हो या विपक्ष, बात वही जो है सच, सही और दमदार भी। गांव, कस्बा, शहर, नगर, रुक न पाए कोई खबर, असर भी, असरदार भी, खबर भी, सरोकार भी। लल्लूराम.com, सच कहेंगे लल्लूराम।